ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में लेस्टर ट्रेवर को लेकर एक बहुत ज्यादा सीक्रेट लोकेशन पर गया था, पर पता नहीं कैसे उस जगह के बारे में मिलिट्री वालों को पता चल गया और वो अपनी पूरी की पूरी फोर्स लेकर वहां पर पहुंच गए ट्रेवर को अरेस्ट करने के लिए। अब देखो, जैसे तैसे ना हमने पुलिस वालों को मारा और वहां से निकले दूसरी सीक्रेट लोकेशन के लिए। बट जैसे हम वहां पर पहुंचे, मुश्किल से 5 से 10 मिनट बाद ही पूरी की पूरी फोर्स वहां पर भी पहुंच गई और हमें वहां से भी भागना पड़ा। और इस सीन के बाद लेस्टर को ये तो पता चल गया था कि कोई बंदा है जो कि हमारी लोकेशन मिलिट्री वालों को दे रहा है, और लेस्टर ने सबके फोन स्विच ऑफ करवाया ताकि वो आगे की लोकेशन ना ले पाए। फिर हम लोग तीसरी सीक्रेट लोकेशन पर गए और उसके बाद आखिरकार हमने पता करा कौन है जो कि हमारी लोकेशन दे रहा है। तो वो पता चला भैया ये है वो हैकर। अभी फिलहाल ये जो हैकर है ये पलीटो में एक एयरक्रेट के अंदर छुपकर बैठा हुआ था। लास्ट टाइम मैंने इसके एक पैर पे और हाथ पे गोली मारी थी क्योंकि फ्रैंकलिन को मारने जा रहा था। अब यार देखो, ये जो बंदा है इसको मैं जिंदा नहीं मारना चाहता हूं क्योंकि इस बंदे की वजह से हम लोग मिलिट्री कर्नल तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज तो यार कोई भी चांस नहीं है। और अगर एक बार हम लोग मिलिट्री कर्नल को मारते हैं तो ही जाकर हम लोग यहां पर सेफ हो पाएंगे। बाकी तो भी फिलहाल फ्रैंकलिन यहां से थोड़ी बहुत पूछताछ कर रहा है, पता नहीं फ्रैंकलिन को कुछ भी बताएगा या फिर नहीं बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो इसको लेस्टर के पास ले जाएंगे अच्छे से टॉर्चर करवाने के लिए। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो कैसे ये छुप के रह रहा था और इतने सारे मॉनिटर लगा रहे, पता नहीं सब में क्या क्या चल रहा है। बाकी तो ना अभी मैं यहां पर देखता हूं, देखो सामने एक सीसीटीवी लगा हुआ है, तो भी फटाफट से सीसीटीवी में स्टन करता हूं ताकि काम करना बंद करे। और इस तरफ में ना पूरा का पूरा सर्वर है, काम कर दे उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब कि जितना भी सीसीटीवी में फुटेज स्टोर हुई है ना वो सारी की सारी बिल्कुल खत्म हो जाए। तो गाइस सर देखो, अभी ना फिलहाल मैं इसमें इतनी देर से M416 मार रहा हूं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बट जैसे ही मैंने इस पे शॉटगन मारा, तीनों के तीनों सर्वर बॉक्स में से स्पार्किंग होने लगी और मेरे हिसाब से जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा क्रैश हो गया होगा। बाकी तो ना अभी जल्दी से मैं चलता हूं फ्रैंकलिन के पास, पूछता हूं उससे कि उसने कुछ बताया या फिर नहीं बताया। तो चलो गाइस यार, अभी ना मेरी फिलहाल फ्रैंकलिन से बात हो गई है और फ्रैंकलिन कह रहा है कि भाई इस बंदे ने कुछ भी नहीं बताया। चल भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट से खड़े हो जा, अब इसको ना जल्दी से लेस्टर के पास लेकर चलेंगे। चल 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 फटाफट से खड़े हो जा। चलो भाई इसका काम तो हो गया, अभी जल्दी से मैं अपना कट्टा अंदर रखता हूं। तो चलो गाइस यार, अभी ना फटाफट से इस बंदे को लेकर मैं यहां से निकलता हूं। और गाइस यार ये जो जगह है ना, मेरे को तो लग रहा है इस जगह पर थोड़ी देर बाद आग भी लग सकती है क्योंकि इधर ना काफी ज्यादा तगड़ी स्पार्किंग हो रही है। तो भी फटाफट हम लोग इस जगह से निकल ही लेते हैं। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो लास्ट टाइम हम लोग कैसे शीशे तोड़ तोड़ कर आए थे। तो ये दोनों कहां पर रह गए, फ्रैंकलिन अपनी गन बाहर रखी हो, मैं भी अपनी गन बाहर ही निकाल लेता हूं क्योंकि उस बंदे का कुछ भरोसा नहीं है मेरे को। अब ये दोनों गए कहां मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। भाई फ्रैंकलिन को सीन तो नहीं हुआ ना दोबारा से। अभी फिलहाल एक मिनट थोड़ा सा मैं ऊपर चलकर देखता हूं ये लोग यहां पर क्या कर रहे हैं। भाग्यमत नहीं छोड़ूंगा मैं तेरे को, तू कुछ भी कर ले बेटा। फिर से एक्टिंग करने लग गया, पकड़ इसको इसकी ऐसी की तैसी। ये आखिरकार भाग कर जाएगा कहां पर, कहीं बाहर ना निकल जाए। इधर अबे बाहर जाएगा है बे, इधर आ तेरी ऐसी की तैसी। बेचारा भागते भागते आ रहा था, काफी कस के घुसा ही पड़ा है मुंह पे। अब बस तेरी पीठ पे इतनी लात दूंगा ना, ढंग से चल भी नहीं पाएगा। तो यार छोड़ दो छोड़ दो, नहीं इसे एकदम सीधा लेकर जाना, लेट जा चुपचाप। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल काफी ज्यादा घुसे लाते मारने के बाद ही हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो गया है। अब बाकी ना इसका मास्क वास्क उतार कर भी देखना आखिरकार ये बंदा है कौन। बट अभी नहीं, इसको जब तक हम लेस्टर के पास नहीं जाएंगे ना तब तक हम लोग इसका मास्क नहीं उतारेंगे। भाई जल्दी से आ जाओ, दोनों कहां पर रह गए, आ रहे हो ना इस बारी। चलो भाई जल्दी से आओ, बाहर निकलो यहां से, अभी कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल हम तीनों एयरकेट शॉप से बाहर आ चुके हैं। फ्रैंकलिन इसका ध्यान रखियो, मैं आगे से ट्रक लेकर आता हूं। भाई सामने से पुलिस वाले कहां गए, अभी जल्दी से मैंने अपनी गन अंदर रख लिया है और ये मेरे को पहचान गए कि मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको मेरे ऊपर शक हो गया। चलो भाई बहुत सही बहुत सही, ये पीछे की तरफ में चले गए और यहां पर ये फ्रैंकलिन के पास रुके तो वापस जा रहा। चलो यार मुझे लग रहा था कि इसने हमें पकड़ लिया है, मतलब इसे हमें पहचान लिया और ये हमें पकड़ने आ रहा है। बट यार अभी ना सब कुछ सही सीन है, अभी जल्दी से एक काम करता हूं, यहां पर आकर ना ट्रक में बैठ जाता हूं। यार मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको मेरे ऊपर शक हो रहा है। बाकी भी जल्दी से मैं अपना ट्रक मोड़ के जल्दी से गली के अंदर लेता हूं। भाई पता नहीं क्या सीन है यार यहां पर, और पीछे की तरफ में भी और भी बंदे आ गए हैं। अरे ऑफिसर मैंने कुछ नहीं करा, यहां पर मैं कूड़ा डालने आऊं। भाई मैं जल्दी से यहां से अपना ट्रक लेकर निकलता हूं। फ्रैंकलिन और उस बंदे को ना भी पीछे खड़े रहने देते हैं। फ्रैंकलिन बस उसका ध्यान रखियो, कहीं पर भी भागने ना पाए, क्योंकि मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जितने भी पुलिस वाले हैं ना इनको हमारे ऊपर शक हो रहा है। अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को आगे की तरफ में मोड़ता हूं। वहां पर तो यार इतनी सारी गाड़ियां आ गई इतने कम टाइम में। तो गाइस इस टाइम ना पलीटो में मामला थोड़ा बहुत गर्म है, तो मुझे उस बंदे को लेकर ना यहां से निकलना ही निकलना है, अदरवाइज बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इधर के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं ना वो मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि और किसी बंदे ने हमारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दी हो। खैर छोड़ो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाकी अभी ना जल्दी से मैं अपने ट्रक को यहां पर लेकर चलता हूं ताकि पुलिस वालों को ये लगे कि इधर मैं कचरा उठाने आया हूं।
अभी ना गाइस एक दिक्कत हो गई है, सामने की तरफ में दो बंदे खड़े हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ पर इन दोनों बंदों को ना अपनी गाड़ी से उड़ा देता हूँ और अपना ट्रक ना इन्हीं के ऊपर खड़े कर देता हूँ ताकि पुलिस वालों को इनकी बॉडी भी नजर ना आए। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर आकर खड़े क्यों हुए थे, बेचारे बेमतलब में मारे गए। अभी फिलहाल मैंने अपना बेसबॉल बैट बाहर निकाल लिया, उस तरह मैं पुलिस वाले इनको पहले मैं जाने देता हूँ। अभी जल्दी से ना काम करता हूँ, इस बंदे के सीधा मत्थे पे बजाने वाला हूँ। हाँ भाई कोई देख तो नहीं रहा ना, तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल कोई भी नहीं देख रहा, निकल यहाँ से। चलो भाई इसके मत्थे पे मार के मैंने इसे बेहोश कर दिया है। तो ओके गाइस यार अपना काम हो गया, आप फटाफट से ना अपने ट्रक का जो पीछे वाला ट्रंक है उसको मैं जल्दी से खोलता हूँ, जिसके अंदर हम लोग इसकी बॉडी को रख कर ले जाने वाले हैं। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल इधर मैंने पीछे वाला ट्रंक तो खोल दिया है, जल्दी से मैं वापस चलता हूँ उसके पास और इसकी बॉडी को उठाकर लाते हैं। फ्रैंकलिन चल भाई जल्दी से इसकी बॉडी रखवा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसकी बॉडी को उतरवा कर इसके अंदर तो रखवा दिया, अभी जल्दी से ना हम लोग ट्रक में बैठते हैं। फिलहाल इधर पुलिस वालों की गाड़ी अंदर तक आ गई है और यहाँ पर पुलिस वाले ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं कि जैसे इनको हमारे ऊपर शक हो गया हो। वैसे यार अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन पीछे ही खड़ा हो गया है, वहीं खड़े रहे ताकि उसकी शक्ल बिल्कुल भी ना दिखे। अभी फिलहाल फ्रैंकलिन एकदम मस्त जगह पर खड़े हुए हैं, बस उसकी ना शक्ल एकदम गायब रहनी चाहिए, बाकी उसके कपड़े तो उतने पहचान में नहीं आ रहे, मतलब कपड़े तो ऐसे लग रहे कोई कूड़ा जा रहा हो। तो चलो यार अभी ना फिलहाल पहली बार फ्रैंकलिन ने बहुत ज़्यादा सही दिमाग लगा दिया, मतलब पुलिस वालों के आगे ना उसकी शक्ल एकदम गायब कर दी। तो भी जल्दी से ना मैं अपने ट्रक को आगे लेकर चलता हूँ, अभी तो ये जो हिरन था ना मेरी गाड़ी के आगे आ जाता और यहाँ पर ये पुलिस वाले भाई गलती से मैंने ठोका है। नहीं 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 वैसे वो लोग मेरे को कुछ नहीं कहने वाले हैं क्योंकि उनको भी पता है वो लोग एकदम गलत जगह से अपनी गाड़ी को मोड़ रहे थे। तो अभी ना एक काम करता हूँ यार, अगर मैं इसे ज़्यादा दूर तक ले जाऊँगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी ना फटाफट से अपने ट्रक को मैं ऊपर लेकर चलता हूँ, सबसे पहले जो अपने ट्रक का ट्रंक है ना इसको मैं यहाँ पर खड़ा करके आराम से बंद कर लेता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैंने अपने ट्रक के ट्रंक को बंद कर लिया और फ्रैंकलिन भी आगे वाली सीट पर ही आकर बैठ चुका है। अभी ना फटाफट से काम करता हूँ, अपने ट्रक को मैं पीछे मोड़ता हूँ और जल्दी से इसको लेकर निकल लेते हैं लॉस सैंटोस के लिए। बाकी यार फ्रैंकलिन भाई एकदम सही टाइम पर उस जगह पर खड़ा हो गया था, वरना ना वहाँ पर पुलिस वाले देखने आ ही रहे थे कि आखिरकार ये ट्रक किस चीज़ का है। तो गाइस वैसे जो ट्रक है ना भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब शुरू शुरू में तो स्पीड ही नहीं पकड़ता, बट जब स्पीड पकड़ लेता है तो फिर इसकी स्पीड कम नहीं होती, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। खैर अभी ना फटाफट से मेरे को अपनी ब्रेक मारनी है और यहाँ पर आप लोग देख लो कब से मैंने ब्रेक मार रखे और अब जाकर इसकी स्पीड कम हुई है। तो चलो यार कोई नहीं, जल्दी से इसे मैं लेकर चलता हूँ। वैसे ये ना काफ़ी ज़्यादा हैवी वेटेड है इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर मैंने किसी भी गाड़ी का टक्कर मार दी ना, यहाँ तक कि किसी ट्रक के भी मैंने टक्कर मार दी तो भाई उसका चूरा चूरा हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। बाकी तो भी चलो यार जल्दी से लेकर इसे निकलता हूँ लॉस सैंटोस। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपने ट्रक को लेकर पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस और अभी ना मुझे लेस्टर कॉल आया और लेस्टर ये कह रहा है कि जिस ट्रक में तुम घूम रहे हो ना उस ट्रक को जल्दी से साइड कर दो, छोड़ दो, किसी और गाड़ी में बैठ जाओ, क्योंकि अभी ना किसी बंदे ने शहर में खबर फैला दी है कि जो मेन क्रिमिनल्स है ना वो एक ट्रैश मास्टर ट्रक में घूम रहे हैं, यानी कि कूड़े वाली गाड़ी में घूम रहे हैं, इसीलिए पुलिस वाले वहाँ पर आकर हमारे ट्रक जो है चेक कर रहे थे। अगर उन्हें कन्फर्म होता तो वो डायरेक्टली मारने लग जाते। अब शहर में ना काफ़ी सारे ऐसे ट्रक हैं इसलिए वो लोग ना पहले चेक कर रहे हैं। बाकी तो और अभी जल्दी से ना मुझे इस वाले ट्रक को अपने पास से आना पड़ेगा, पर पहले मेरे को कोई और गाड़ी भी चाहिए। तो गाइस देखो सबसे पहले तो हमें एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहां पर मैं अपने ट्रक को एकदम शांति से खड़ा कर पाऊं और पहले मैं इसकी बॉडी बाहर निकालूंगा, फिर एक गाड़ी लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम लोग इसको रखकर यहां से जाने वाले हैं। अगर अभी मैं रोड पर गाड़ी चुरा भी लेता हूं किसी की तो सीधी सी बात है उसकी गाड़ी से मैं उसके आगे बॉडी तो बाहर नहीं निकाल पाऊंगा ना इसकी। तो अभी फिलहाल अपने ट्रक को मैंने शांति से इधर लाकर खड़ा कर दिया है और यहां पर अभी कोई पुलिस वाला इसे देख तो नहीं पाएगा और इस तरफ में काफी ज्यादा बढ़िया गाड़ी का भी जुगाड़ हो गया। तो अभी जल्दी से मैं काम करता हूं उसकी बॉडी में बाहर निकालता हूं, यहाँ पर पीछे वाला पहले ट्रंक खोल देता हूँ। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने पीछे वाला ट्रंक खोल दिया है, अभी ना जल्दी से इसकी बॉडी को लेकर चलता हूँ इस गाड़ी में डालने के लिए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इस बंदे को उठाकर अपनी गाड़ी में तो डाल दिया है ट्रक से। बाकी यार अभी ना जल्दी से काम करता हूँ, ये वाला जो ट्रक है ना इसको ब्लास्ट कर देते हैं ताकि यार अपने को ना कोई भी दिक्कत ना आए। अब क्या होगा जैसे ही ब्लास्ट होगा ना तो पुलिस वालों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर चार बम मैंने इधर लगा दिए हैं क्योंकि ये ना काफी ज्यादा पावरफुल है, एक में ये ब्लास्ट नहीं होने वाला पूरा का पूरा। तो अगर अभी चार बम फूटेंगे ना तो इसके पुर्जे भी नहीं मिलने वाले। अभी फ्रैंकलिन जल्दी से गाड़ी में बैठो, ये पीछे वाला ट्रंक किस लिए नहीं बंद हो रहा भाई, इसको क्या हो गया भाई, प्लीज यार बंद हो जा। अभी जल्दी से ना पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ भाई, पुलिस वाले आके ना ये वाला ट्रक ना देख ले। अभी जल्दी से यहाँ पर पहले इस ट्रक को ब्लास्ट करते हैं और अभी ना अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से लेकर पहले थोड़ा दूर निकलता हूँ, जहाँ पर चेकिंग हो रही होगी ना उससे पहले मेरे को यार ये बंद करवाना पड़ेगा। अब यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये जो चीज़ है मतलब पीछे डिक्की बंद किस लिए नहीं हो रही है। एक काम करता हूँ यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करो, इसमें मेरे को चेक करना पड़ेगा आखिरकार सीन हुआ क्या है। ऊपर चढ़ के ना एक हाथ लाते मारता हूँ, पता नहीं यार उसमें क्या चीज़ अटक गया है। ओ तेरी शीशा टूट गया, अगर शीशा टूट गया तो भाई उसका मुंह दिख जाएगा। प्लीज यार बंद हो जा, प्लीज प्लीज प्लीज, ये नहीं होगा बंद, इस पे लग रहा है एक आज जंप मारनी ही पड़ेगी। तो चलो गाइस यार फाइनली जैसे तैसे करकर हमने इसका जो पीछे वाला ट्रंक था वो भी बंद कर लिया। फ्रैंकलिन जल्दी बैठ भाई, आज तो पीछे वाला शीशा टूटते टूटते बच गया, अगर मैं एक लात और मारता ना तो वो शीशा टूट ही जाता। बाकी तो यार आप लोग को यहाँ पर नजर आ ही गया होगा कि उसका शीशा ना एकदम कलर ही बदल चुका है, मतलब चूरा चूरा हो गया अंदर से। बाकी यार अभी ना मेरे को अपनी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं ठोकनी है, बाकी चेकिंग वैकिंग हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो कि गाइस फाइनली मैं अपनी गाड़ी को लेकर उसी जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर मुझे लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया था। बाकी यार ये जो गाड़ी है ना सच्ची में यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बाकी इस गाड़ी के जो कंट्रोल्स है ना वो मेरे को ज्यादा अच्छे लगे, लेकिन यार ये थोड़ी बहुत ना गंदी हो रखी है। तो भी जल्दी से ना यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी अंदर लेकर चलता हूँ और पीछे की तरफ मैं देखता हूँ, वैसे किसी ने देखा तो नहीं है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब यहाँ से ना मुझे अपनी गाड़ी को थोड़ा धीरे धीरे चलाना चाहिए वरना कोई छोटी मोटी दिक्कत भी होगी ना तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो भी ओ भाई यहाँ पर पीछे वाला शीशा मेरे को लग ही रहा था टूटेगा, बट अभी मैं यहाँ पर सेफ हूँ तो टूट गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो जो बंदा एकदम सेफली आराम से मतलब बेहोश हो रखा है अभी तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। और यहाँ पर ना गाइस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इधर भी कोई बंदा नहीं है। बाकी यार लेस्टर ने मुझे आने के लिए तो यहीं पर बोला था, एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना साइड में मैं पार्क कर देता हूँ। अरे यार ये इतनी बुरी तरह क्यों ठुक रही है? और यार यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दूँ क्या? यहाँ पर से कोई देख ना ले यार, बस रुक जाओ, यहाँ मैं अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करने वाला क्योंकि अभी मेरे को भी पता है कोई ना कोई बंदा तो हमें देख सकता है। और लेस्टर ने ना अभी वैसे मेरे को नीचे ही बुलाया था, तो चल भाई फ्रैंकलिन जल्दी से उसको बाहर निकाल। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन और मैंने मिलकर इसको अपनी गाड़ी से बाहर निकाल दिया और उसको मैंने साफ साफ बोल दिया, हमारी बात मान वरना जो कट्टा है ना सीधा तेरे पेट में घुसेड़ दिया जाएगा। तो भी जल्दी से इसको मैं अपने साथ नीचे लेकर चलता हूँ। और लेस्टर भी अभी यहीं पर नीचे छुपकर बैठा हुआ है। और अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर ना पुलिस वालों ने हमें यहाँ पर आते हुए नहीं देखा था। बाकी यार अभी ये जो जगह है ना है तो बहुत ज़्यादा अजीब सी और मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ उधर, लेकिन यार ये जगह मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है और इधर कोई भी नहीं आने वाला। अब लेस्टर ने कहा तो था कि वो नीचे की तरफ में ही है, बट यार मेरे को तो वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, क्या पता यहाँ से वो और भी ज़्यादा नीचे हो और वो बेचारा ढंग से चल भी नहीं पा रहा है। फ्रैंकलिन उसका ध्यान रख, कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग कर चले जाए। और इधर लेस्टर वगैरह बैठ कर प्लानिंग कर रहे हैं और ट्रेवर भी प्लानिंग कर रहा है। तो भी जल्दी से इनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। और वो कहाँ चला गया? अबे यार आ गया चलो आ गया, इसको पता है ये कुछ नहीं कर सकता अभी। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर लेस्टर इससे काफी देर से बात कर रहा है ये पूछने के लिए कि तू मिलिट्री वालों के लिए काम क्यों कर रहा था, और अगर कर रहा था तो उनकी लोकेशन हमें बता दे, बस तेरा काम खत्म, हम तेरे को जाने देंगे। बट यार ये जो बंदा ना ये कह रहा है कि मिलिट्री वालों के लिए नहीं, ये किसी और बंदे के लिए काम कर रहा था, बट जब हम इससे उस बंदे की भी लोकेशन मांग रहे तो कह रहा है इसे नहीं मालूम। अब पता नहीं यार ये बंदे का क्या सीन है, मेरे को तो साफ साफ लग रहा है झूठ बोल रहा है। अभी तुम में से कोई भी इसे नहीं मारेगा, इसको सिर्फ मैं ही तोड़ूंगा। यहाँ पर मेरे को पता क्या लग रहा है, इसको ना अच्छे से पिटाई की जरूरत है तभी ये सच बोलने वाला, वरना तो ये सच नहीं बोलेगा। रुक जा बेटा, तू इससे नहीं, तेरे तकड़े हथियार लाया हूं, बस ये जिंदा ना मरे, इसलिए यहां पर ना एक मेरे को अपना बेसबॉल बैट निकालना पड़ेगा। तेरी ऐसे की तैसी वापस कैसे उठा, इतनी जान आ गई तेरे में है बे। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल इतनी देर से तो मैं इसे मार रहा था, पर अब इन लोगों ने भी मारना शुरू कर दिया है। भाई बस करो, सबके सब अपना हाथ धोने में लग गए हैं। भाई लेस्टर ने क्या गदर लात मारी है, चुपचाप बता दे वरना भाई इससे भी बुरा तेरा हाल होने वाला है। मारो भाई, आज तो इसका भूत ही बना दो। और भाई लेस्टर यार हथियार मत यूज कर, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदा ही मर जाए। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल हम लोगों ने इसका मार मार के भूत बना दिया है, लेकिन ये जो बंदा इतना ज्यादा जिद्दी है कि अभी भी कुछ बताने को राजी है नहीं। अब तो मेरा मन कर रहा है कि इसे जिंदा ही मार दिया जाए, लेकिन यार देखो अगर हम थोड़ा बहुत और टॉर्चर करेंगे ना तो शायद से कुछ ना कुछ बताएगा ही। बाकी लेस्टर अभी ना प्लानिंग कर रहा है इसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने की। तो चलो गाइस अभी ना लेस्टर कह रहा है इसको मारना बंद करो, इसके दोनों हाथ बांधो, फिर इसका कुछ जुगाड़ करते हैं। तो चल भाई इधर आजा, तेरी ऐसी की तैसी निकल, ऐसे बेहोश करो इसको, इसकी भैंस की टांग, बहुत मजाक हो गया, अब तू यहीं पर लेटे रह, थोड़ी देर हाथ बांधो भाई इसके। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हमने इस बंदे को पकड़कर बांध दिया एक चेयर पर एक पॉल के साथ। अभी इतनी देर हम लोग इसे प्यार से समझा रहे थे लेकिन इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब यार देखो लेस्टर कह रहा है कि ना इसके चारों तरफ मिट्टी का तेल डाल दो और साथ में ना इसके ऊपर भी डाल देना, और अगर ये उसके बाद भी कुछ नहीं बताता है तो फिर सीधा इसको जला देना और इसका खेल हम लोग यहीं पर खत्म कर यहां से निकल लेंगे। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो, पूरी साइड यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया मिट्टी के तेल का। बाकी तो यहाँ पर मतलब ये मिट्टी का तेल नहीं, एक टाइप से आप इसे पेट्रोल ही समझ लो। बाकी तो यार इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है अगर इसने हमें कुछ भी नहीं बताया। इतनी बुरी तरह ये जलकर मरेगा ना, बस हमें यहाँ पर एक गोली मारनी है। तो लो भाई डर के मारे इसकी हवा खराब हो गई और ये अब सब कुछ बताने को राजी है। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल इस बंदे ने सब कुछ एकदम सच सच बता दिया है और ये कह रहा है कि किसी भी मिलिट्री के लिए काम नहीं करता, ये एक बहुत बड़े हैकर के नीचे काम करता है, उसके जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं ना वो इसको करने के लिए देता है, जिसमें से एक काम ये था हमारी लोकेशन निकालना। अब यार देखो ये काम ना ये उस हैकर के लिए कर रहा था और वो हैकर कर रहा था मिलिट्री वालों के लिए, यानी इसके कॉन्टैक्ट हैकर से हैं और उस बड़े वाले हैकर के कॉन्टैक्ट है मिलिट्री वालों से। अब यार देखो दिक्कत की बात तो ये है कि इसके पास ना उस बड़े वाले हैकर का ना ही लोकेशन है ना ही उसका फेस वेस कुछ भी नहीं पता, बस इसके पास उसका एक फोन नंबर है, यानी फोन नंबर अगर हम ट्रेस करते हैं तो हम लोग उस तक पहुंच सकते हैं।
तो चल भाई आज तेरी जान बच गई, तूने सही टाइम पर सच बता दिया वरना तेरा ये हाल होता। तो देखो भाई यहाँ पर मैंने आग लगा दिया है, बस आप लोग यहाँ पर देखते जाना क्या सीन है। बेचारा डर के रुक जा, उठ जा उठ जा, कोई दिक्कत नहीं, साइड हो जा, कोई दिक्कत नहीं, जलेगा। बेचारा डर के मारे उठ ही गया, नहीं कह रहे भैया तेरे को कुछ नहीं कह रहे। तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल मौके पर आकर मैंने आग पूरी की पूरी बुझा दिया, वरना इधर तो भी सीन ही पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता। तो चलो भाई अभी चारों के चारों मेरे पीछे आ जाओ, अभी जल्दी से चलते हैं सीधा लेस्टर के लैपटॉप पर और वहां पर ना इसी बंदे से हेल्प लेकर हम लोग उस बंदे की लोकेशन निकालने वाले हैं जो कि इसका मेन हेड है। तो अभी जल्दी से चलकर देखते हैं सीन क्या है, ये लोकेशन निकाल पाता है नहीं निकाल पाता। वैसे ये भी बहुत तगड़ा हैकर है, लेस्टर भी बहुत तगड़ा हैकर है, दोनों मिलकर तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो अभी जल्दी से चलते हैं सीधा नीचे, बाकी मेरे को तो इनसे पूरी उम्मीद है, और अगर नहीं निकाल पाए तो फिर तो ये जो बंदा है ना अपने किसी काम का नहीं है, इसको मार के इसका पत्ता साफ कर देंगे, क्योंकि अभी यार ये बंदा उल्टा हमें फंसा सकता है। तो चलो गाइस फाइनली पूरे के पूरे एक घंटे तक रिसर्च करने के बाद इन दोनों लोग ने मिलकर उस हैकर के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक कर लिया है, लेकिन लेस्टर कह रहा है कि उस तक पहुंचना ना एक टाइप से इंपॉसिबल है, क्योंकि वो जो बंदा है ना वो किसी घर या फिर किसी सीक्रेट बेस में नहीं रहता, वो रहता है एक सबमरीन के अंदर जो कि पानी यानी समुद्र के काफी ज्यादा बीचों बीच है और ऊपर से बहुत ज्यादा डीप है यानी बहुत ज्यादा गहराई में है। तो वहां पर जाने के लिए हमें अंडर वाटर स्विमिंग करनी पड़ेगी और अंडर वाटर स्विमिंग करने के लिए हमें चाहिए होगा स्कूबा डाइविंग सूट। अब यार देखो स्कूबा डाइविंग सूट तो हमें नॉर्मली बोर्ड पर से मिल जाता है, बट उसकी भी एक लिमिट होती है, उससे हम एकदम अंदर तक नहीं जा सकते और अभी हमें मालूम भी नहीं है कि वो जो सबमरीन है वो कितनी ज्यादा गहराई में है। इसलिए लेस्टर कह रहा है सबसे पहले तुम्हारे लिए कपड़े मैंने रख दिए ऊपर, अब पता नहीं इसने कहां से जुगाड़ करे, सबसे पहले ना वो वाले कपड़े मैं बदलता हूं और उसके बाद ये कह रहा है कि गन्स वगैरह का जुगाड़ करो। एक घर है मतलब एक बंदा है बहुत ज्यादा अमीर, उस बंदे के पास ना एक ऐसी गाड़ी है जो कि पानी के अंदर भी चलती है बोट की तरह, मतलब सबमरीन की तरह। तो भी जल्दी से यार वो वाली गाड़ी हमें लेकर आनी है, अब इतना ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि बंदा बहुत ज्यादा अमीर है। तो आप लोग समझ रहे हो ना कि उसमें कितनी ज्यादा सिक्योरिटी हो सकती है। बाकी यार ट्रैवर अपने साथ चल रहा है, इस काम के लिए मैं ट्रैवर को अपने साथ ले जा रहा हूं क्योंकि ट्रैवर अभी ठीक हो चुका है। बाकी अगर इसके कपड़े वपड़े बदल देंगे तो शायद से पुलिस वाले नहीं पहचानेंगे, बट हमें मास्क वास्क नहीं उतार के दिखाना है। तो वैसे भी ट्रैवर हो चाहे फ्रैंकलिन, पुलिस वालों की नजरों में तो हम सारे ही आ चुके हैं, इसलिए छुपने का कोई फायदा है नहीं। बस हम ये इंतजार कर रहे थे कि ट्रैवर ठीक हो जाए, तो भी ट्रैवर ठीक हो चुका है। जल्दी से कपड़े बदलते हैं, पता नहीं कहां पर इसने रखे हैं कपड़े, पीछे की तरफ में वो कह रहा था। तो भी जल्दी से कपड़े बदलते हैं और यहां से निकलते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हम दोनों ने अपने अपने कपड़े बदल लिए हैं, बाकी तो यार आप लोग यहां पर ये वाली आउटफिट देख ही पा रहे हो जो कि लेस्टर ने दी है, कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और लेस्टर ने ना हम लोग को स्पेशली बोला कि अपनी बाइक से जाना, कार से मत जाना, क्योंकि यार देखो कार में हेलमेट पहने कोई मतलब नहीं है, इसलिए पुलिस वाले बेमतलब शक करेंगे। और अगर हम लोग बाइक से जाएंगे तो पुलिस वाले हेलमेट उतारने के लिए बोलेंगे नहीं, यानी कि ड्राइवर पकड़ा नहीं जाएगा। बाकी तो भी ये गाड़ी लेकर मैं थोड़ा सा बाहर तक जा रहा हूं। वैसे एक काम करता हूं, ये जो गाड़ियां ना यहीं पर खड़े रहने देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यार इन लोग को यहां से भागना पड़ जाए और इनको कोई दिक्कत आ जाए। तो अभी बीच रास्ते में मैंने गाड़ी छोड़ दिया है, इनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और वैसे तो मैं थोड़ा बहुत बाहर आ चुका हूं, फिलहाल यहां पर कहीं पुलिस वाले ना हो और चूहे भी यहां पर नीचे भागते हुए जा रहे हो, भाई कितनी ज्यादा स्पीड में है। तो चलो अभी फिलहाल यहां से मैं बाहर आ चुका हूं, अभी मजाक बिल्कुल नहीं। अभी सबसे पहले ना मेरे को एक शॉप पे जाना है एम्युनिशन की, वहां से एक स्नाइपर मेरे को खरीदनी है। और ड्राइवर कहां पर रहेगा भाई, बिल्कुल टाइम नहीं है, जल्दी भाग करा, मैं किसी गाड़ी का जुगाड़ करता हूं। बीच रास्ते से गाड़ी चुराना बेमतलब की बेवकूफी होगी, तो भी थोड़ी देर यहीं पर बैठते हैं, किसी का छोटा मोटा भी एक्सीडेंट होगा तो वहीं पर बाजी मारेंगे। तो गाइस वैसे ना इस वाले हाईवे पर इतने एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन आज मेरे को एक गाड़ी की जरूरत है, तो सारे के सारे बंदे तमीज में गाड़ी चला रहे हैं। अभी फिलहाल वैसे हेलमेट वगैरह तो लगा रखे हैं, अभी यहां पर ना कोई भी पुलिस वाला है नहीं। एक काम करता हूं, थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं, यहां पर ना सबसे पहले मुझे एक गाड़ी चाहिए होगी, तो मैडम जी बाहर आ जाओ, अभी मेरे को आपकी गाड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जल्दी जल्दी बाहर निकल, इतना टाइम नहीं है। वो ड्राइवर जल्दी से आगे गाड़ी बैठ, लग रहा है ड्राइवर को ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। ओ भाई साहब चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे तेरे को बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तेरा नंबर मैंने नोट कर लिया है, मजाक कर रहा हूं। तो भी जल्दी से ना अपने वैन को लेकर मैं निकलता हूं सीधा उस जगह पर जहां पर मैंने अपनी हार्ले डेविडसन को छोड़ा था। तो जल्दी से चलकर ना वहां सबसे पहले बाइक लेंगे, उस बाइक को लेकर हम लोग, पुलिस पीछे पड़ गई है क्या? नहीं, अच्छा पुलिस ऊपर वाले, वही मैं सोचूं यार पुलिस हमारे पीछे कैसे पड़ गई, अभी तो हमने गाड़ी चुराई और किसी ने देखा भी नहीं था। तो हाँ मैं ये कह रहा था, फिर हम लोग बाइक लेके जाएंगे एम्युनिशन की शॉप पर। एम्युनिशन की शॉप पर जाने के बाद हम लोग जाने वाले हैं सीधा उस जगह पर जहां से हमें वो कार चुरानी है। अभी फिलहाल अपनी गाड़ी भगाते भगाते मैं एकदम सही तो नहीं आया हूं, मुझे ना पीछे वाले कट से राइट लेना था, बट अभी थोड़ा सा मैं रॉन्ग वे आ गया। चलो कोई नहीं, आगे एक और कट है, वहां से राइट लेकर उस जगह पे पहुंचते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी वैन को लेकर पहुंच चुका हूं उस जगह पर जहां पर मैंने अपनी बाइक को लास्ट टाइम पार्क करा था। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो, उस वैन ने क्या ड्रिफ्ट मारी है, पूरी की पूरी यू टर्न हो गई। अभी जल्दी से आगे लेकर चलते हैं, और यही है वो जगह जहां पर मार्टिन मद्राजो का नाइट क्लब बन रहा था। तो भी जल्दी से मैं अपनी वैन को यहीं पर साइड में खड़ा कर देता हूं, क्या पता इसकी भी बाद में कभी ना कभी जरूरत पड़ जाए। और एक सेकंड सामने की तरफ में एक बंदा है जो कि हमारी बाइक में ना कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, ये मैं कंफर्म हूं बाइक चुराने के लिए आया हुआ है। इधर आ, तेरी ऐसी की तैसी बाइक चुराएगा, तेरी भैंस की डंग कर कह रहा था ये बाइक में। अभी सीधा इसके पड़ेगा, गलती से मैंने बाइक पे मार दिया यार, शिट। वैसे गाड़ी को कुछ हुआ नहीं क्योंकि काफी मजबूत थी, लेकिन इसके पड़ेगा रख रख के, कर कह रहा था तू बाइक में, तेरी भैंस की डंग, मेरी बाइक की ना हल्की
से हेडलाइट टूट गया, चलो कोई नहीं भाई, फुल एकदम स्क्रू ड्राइवर वगैरह सब कुछ लेकर आ रखा था। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर बाइक का साउंड सुन ही पा रहे हैं, बाइक पूरी ओके है, अच्छा हुआ कि इसने खराब नहीं करी। और अच्छी बात तो ये भी है कि किसी पुलिस वाले ने नहीं देखा, वरना अभी गड़बड़ हो जाती। तो भी जल्दी से अपनी बाइक लेकर मैं जिस रास्ते से आया था सेम टू सेम उसी रास्ते से वापस जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो काफी कम सिक्योरिटी मिली थी। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो अपनी हार्ले डेविडसन का ना अलग ही मजा है। अब ये रियलिटी में हार्ले डेविडसन तो नहीं है, बट ये उससे भी बढ़कर मेरे को लगती है, इसलिए मैं इसको हार्ले डेविडसन ही बोलता हूँ। तो भी जल्दी से अपनी बाइक को लेकर चलते हैं सीधा एम्यूनेशन की शॉप पर और फटाफट से एक दो स्नाइपर्स खरीद लेते हैं, क्योंकि भाई लेस्टर का जो प्लान है ना वो हमेशा सही जाता है। लेस्टर ने बोला कि उनके गेट पर ना कुछ गार्ड्स खड़े होंगे, तो हो सके तो उनको दूर से ही मार देना। तो चलो यार, मैंने कहा चलो ठीक है, अभी जल्दी से पहले स्नाइपर खरीदते हैं। अभी यार एम्यूनेशन की शॉप भी आसपास मेरे को नजर नहीं आ रही, वैसे एक शॉप है जहाँ पर से मैं हमेशा गन्स खरीदता हूँ, वहीं पर अभी जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक पकाते पकाते उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ से मुझे गन्स बाय करनी है। बाकी तो यार जब अपनी हार्ले मुड़ती है ना रोड पर, वो भी काफी ज्यादा स्पीड में, तो फिर एक अलग ही लुक आती है। तो वैसे भी फिलहाल वो जो शॉप है वो आ चुकी है। ओए एक सेकंड, बाइक कैसे चला रहे हैं लोग, मतलब बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी मोड़ दी। खैर छोड़ो जो भी, अभी मैं तो बच गया, अभी जल्दी से ना यहाँ पर अंदर चलते हैं। कोई ढंग की ना अभी गन मेरे को खरीदनी है, मतलब ढंग की स्नाइपर खरीदनी है। मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो मैं स्नाइपर लेकर गया था ना, दोबारा से वही वाली स्नाइपर मैं खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पर इसके पास एक स्नाइपर ये है, दूसरी ये है, बाकी तो यार यहाँ पर कुछ इस टाइम में रॉकेट लॉन्चर है, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसके पास अभी दो स्नाइपर है, तो ये वाली जो स्नाइपर है ना यही मैं लास्ट टाइम लेकर गया था, और ये है भी बहुत ज्यादा बढ़िया, तो इसी को दोबारा से खरीदता हूँ। एक सेकंड, ओ भाई पैसों की कमी पड़ गई, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $43 है। अब वैसे $800 मिलियन तो मेरे बैंक में पड़े हुए हैं, बट $10 मिलियन मैंने विड्रॉ करवाए थे, वो इतनी जल्दी खत्म हो गए भाई, क्या ही बताऊं। मतलब कि अभी $43 कैश ही पड़ा है पॉकेट में। यार इतनी भागम दौड़ी में $10 मिलियन कब खर्च हो गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। ओके ओके गाइस, अब मेरे को याद आया, आपको याद होगा लिबर्टी सिटी से हम $2 मिलियन की बाइक लाए थे और साथ में कार भी खरीद के लाए थे, और भी बीच में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था गाड़ी वाड़ी के चक्कर में। तो भी फटाफट से मैं आपको एक बार अपना बैलेंस दिखाता हूं, यहां पर $800 मिलियन अभी भी पड़े हुए हैं। बाकी भी सबसे पहले मेरे को कुछ विड्रॉ करवाने, डिपॉजिट तो मैं करवा ही नहीं सकता क्योंकि $43 है। तो भी एक काम करता हूं, यहां पर $500,000 $1 मिलियन भी कमी रहेगा, तो $10 मिलियन ही दोबारा निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे खत्म होगा, सीधा 800 नहीं खत्म कर देना। चलो भाई अभी एक बारी मैं अपना यहाँ पर जो नॉर्मल वैसे हो गया होगा पैसा, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। तो ओके एक मिनट। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर पूरे के पूरे $10 मिलियन आ चुके हैं। तो चलो भाई अभी जल्दी से गन्स खरीदता हूँ, आर्मर वगैरह खरीदते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अब देवे स्नाइपर तेरी ऐसे की जैसी, उस टाइम तो बड़ा मना कर रहा था। चलो भाई यहाँ पर स्नाइपर आ गई, इसका मेरे को एडवांस स्कोप चाहिए और साथ में स्किन, ओ भाई अमेजिंग, ये भी मेरे को चाहिए है। और भी गोल्ड स्किन नहीं चाहिए मेरे को, वही वाली ज़्यादा अच्छी, ओ भाई ये ज़्यादा अच्छी है गोल्ड टिंट। तो भी फिलहाल ये वाली मैंने स्किन ले ली है। तो अभी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, एक्सटेंडेड टिप मैंने ले ली थी, चलो ठीक है। अभी ट्रैवर को स्नाइपर की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बंदा स्नाइपर बहुत है। बाकी मैं आर्मर ले लेता हूँ, ट्रैवर ने तो अभी तक ले भी लिया होगा। तो चलो भाई जल्दी से मैंने भी आर्मर ले लिया है। तो अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा उस बंदे के घर के लिए। भाई अब आएगा असली मजा यहाँ पर फाइट करने में। बाइक के स्टार्ट होने का साउंड सुनना गाइस एक बार, ट्रैवर उतर भैया एक बार। तो गाइस अब आप लोग ना बाइक के स्टार्ट होने का साउंड एक बार ध्यान से सुनना, देख रहे हो गाइस कितना ज्यादा तगड़ा साउंड है ना यार इस बाइक का। इस साउंड की वजह से मैंने इस वाली बाइक को लिया है, बाकी बाइक के लुक भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो गाइस आप लोग ना एक बार कमेंट में जाकर जरूर बताना कि आपको ये वाली बाइक ज्यादा अच्छी लगती है या फिर हायाबुसा, आप लोग कमेंट में बताओ, उस हिसाब से फिर मैं बाइक और भी खरीदते रहूंगा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से वाली बाइक लेकर निकल लेते हैं सीधा उस बंदे के घर के लिए। वैसे यार उस बंदे के घर की जो लोकेशन है वो इधर की है, मैं जा रहा हूँ इधर। तो यार देखो अभी ना मजे के मूड में नहीं रहना, अब ये जो काम है ये काफी ज्यादा सीरियस है। तो गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ से मुझे वो एम्फीबियस कार चुरानी है जो कि पानी के अंदर भी चलती है। बाकी तो यार मेरी बाइक ना काफी ज्यादा गंदी हो गई है, और यही वो जगह है जहाँ पर मुझे लेस्टर ने आने के लिए बोला था, और वो कहता है कि सामने की तरफ में तुम्हें उसका घर नजर आ जाएगा। अब देखो सामने की तरफ में घर तो मेरे को नजर आ गया है, और ये काफी ज्यादा लग्जरी मैंशन मेरे को लग रहा है। यहाँ पर एक बार मैं स्कोप खोल के चेक करता हूँ, वहां पर यार एक काफी तगड़ा जेट खड़ा हुआ है और एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है, और घर बहुत ज्यादा ही बड़ा है। और यहाँ पर घर की एंट्रेंस किधर से, शायद से मेरे को ऊपर, नहीं, देखो यार घर की एंट्रेंस यही से है, ये पूरा का पूरा रास्ता यहाँ पर इस घर के ऊपर जाता है। तो भी जल्दी से वहां पर चलेंगे, और लेस्टर ने इसीलिए स्नाइपर खरीदने के लिए बोला था क्योंकि गेट पर काफी सिक्योरिटी है। तो भी जल्दी से ना काम करता हूँ, चार बंदे हैं मेरे को, चार शॉट चलाने हैं, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। तो 3 2 1 लेट्स गो, निकल यहां से। ओ भाई एक शॉट में दो डाउन कर दिया, इधर भी मैं ऐसी मारता हूं, ये स्नाइपर बहुत जबरदस्त आर पर होगी। इस बंदे को पता तो चल गया था मैं कहां पर हूं, लेकिन यार बहुत बुरे वाला मैंने मारा इनको, और इसीलिए मेरे को स्नाइपर ना बहुत ज्यादा तगड़ी लगती है। मतलब कि देखा आपने, एक के बाद एक, मतलब कि गोली
पार होगी उसके अंदर से, तो चलो भाई अपना इतना काम तो हो गया, मतलब जो एंट्रेंस थी वो मैंने खत्म मतलब क्लियर कर दिया है। तो भी जल्दी से ना अपनी बाइक को लेकर मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को कुछ मालूम नहीं है कि वहाँ पर और कितने बंदे हैं। गेट के एंट्रेंस में तो थोड़े बहुत गार्ड थे जिनको मैंने मार दिया, अब ऊपर चलकर देखते हैं कि और बंदे हैं या फिर नहीं है। अब यार अपनी बाइक ही मेरे को ऊपर ले जानी पड़ेगी, क्योंकि मैं इनकी कार पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। प्लीज़ खुल जाओ, भाई खुल गया भाई, सही है। इन्होंने ना गेट खोल रखा था इसलिए गेट लॉक नहीं हुआ, वरना पासवर्ड डालना पड़ता। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को बहुत ज्यादा आराम आराम से चलाने वाला हूँ, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। फिलहाल मेरे को लग तो रहा है कि ऊपर की तरफ में काफी ज्यादा गुंडे हैं, क्योंकि चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। तो एकदम आराम आराम से चलता हूँ, वो एक तरफ तेजी से हंसके टांग निकल यहाँ से। सामने की तरफ में भी एक बंदा था जिसको मैंने मार दिया, तो यहाँ पर अभी मैं अपनी बाइक को लेकर अंदर आ गया हूँ। ओ भाई पीछे की तरफ में तो काफी सारे बंदे हैं, तेरी हंसी की तरफ से एक गोली मारी थी दोबारा उठ गया भाई, जान तो बहुत है बंदों के अंदर। निकलो भाई, सारे के सारे पिटेंगे आज। यहाँ पर लगा काफी सारे बंदे हैं, तो मुझे ना बहुत संभल के फाइट लेनी पड़ेगी। और पीछे की तरफ से बहुत ज्यादा गोली चली गई, ट्रेवर मार इसको। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारे बंदे आ गए, और अभी ना सब बंदों को मैं बहुत ही बुरी तरह मुंह तोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर पीछे की तरफ में जो बंदे मैंने मारे थे ना, वो उठ उठ के दोबारा से लड़ रहे हैं, और अभी बस आप लोग यहाँ पर देखते जाओ सब लोग कितनी बुरी तरह पिटने वाले हैं। अभी फिलहाल ट्रेवर ने भी कुछ बंदों को मार दिया है, और यहाँ पर यार अभी बहुत सारे बंदे थे जो कि पता नहीं कहाँ पर चले गए थे, ऐसे की तरह गंजे निकले यहाँ से। तो चलो यार अभी ना मैंने इस बंदे को भी मार दिया, और उसके पीछे शॉर्ट गन मार रहा है भाई साहब, शॉर्ट गन पड़ी है मेरे बहुत बुरी तरह। अब यार देखो वो वाली जो गाड़ी है ना स्टॉर्म बग, जो कि पानी के अंदर चलती है, वो गाड़ी मेरे को इधर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। अभी फटाफट से ना एक बारी मैं आगे चलता हूँ, ऊपर भी काफी सारे बंदे, रुक जाओ बेटा ये लिफ्ट है ना, चलो भाई अभी ऊपर ही चलो ना, पहले इनको तोड़ता हूँ। अभी फिलहाल लिफ्ट में बैठकर मैं ऊपर तो आ गया हूँ, जल्दी से ये वाला गेट खोलो। और सामने की तरफ एक बंदा है, ओ भाई उस तरफ में तो काफी सारे बंदे हैं, तो जल्दी से मेरे को यहाँ पर छुपना पड़ेगा, और ये सारे के सारे बंदे मेरे से बहुत बुरी तरह पिटने वाले हैं। तो गाइस अभी ना फिलहाल ट्रेवर भी भाग कर आ गया ऊपर की तरफ में, और सामने ना गाइस काफी सारे बंदे हैं, और ये सारे के सारे ना अभी से बहुत ही बुरी तरह पिटने वाले। चलो भाई सारे के सारे निकलो, और इस तरफ में कितने सारे शीशे टूट गए भैया गोली चला चला के, और वैसे ये जो ग्लास है ना है तो बहुत ज्यादा तगड़े। तो यहाँ पर ना ऊपर की तरफ में एक रास्ता है, वो शायद से ऊपर ही गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन यार यहाँ पर भी कोई गाड़ी है नहीं। और सामने की तरफ में देख रहे हो मतलब बंदे मर रहे हैं ना, तो फिर अपनी बड़ी वाली गन फेंक कर पिस्टल निकाल के मार रहे हैं, मतलब हार कोई नहीं मान रहा। और ये ग्लास कितने ज्यादा तगड़े हैं भाई, ये देखो सारे के सारे तोड़ता हूँ। और यार अभी ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो गाड़ी है कहाँ पर जिसको लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और नीचे की तरफ से भी काफी ज्यादा गोलियां चल रही है, और ड्राइवर को तो भाई बहुत ज्यादा गोलियां पड़ गई, मार कौन रहा है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। एक मिनट रुक जा, मैं आगे से जाकर व्यू लेता हूँ। इस तरफ में एक दरवाजा और है, शायद से ये बाहर का रास्ता। ओ भाई नीचे भी एक बंदा खड़ा हुआ है, तो चलो यार इसको मैंने मार दिया। अभी थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ, यहाँ के सारे बंदे ना मेरे हिसाब से ट्रेवर ने तो मार दिया है, वो नीचे मैंने जितने भी बंदे मारते ना सारे के सारे गायब हो गए भाई। चलो बेटा तू भी निकल यहाँ से, मतलब क्या इन्हीं के घर में घुस के इन्हीं को कितनी बुरी तरह मैं मार रहा हूँ। तो गाइस अभी ना फिलहाल एकदम धीरे धीरे मैं अपने कदम आगे बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा खतरा है। और ये देखो ये तीनों के तीनों ना यहाँ पर छुप कर बैठे हुए थे, ये सोचकर कि जब हम लोग नीचे आएंगे ना तो ये लोग हमें झटके से धप्पा कर देंगे, लेकिन बेचारे अभी खुद ही धप्पा हो गए। तो अभी ना मेरे को एकदम आराम आराम से यहाँ पर चलना है, और अभी भी मेरे को नीचे से ना काफी सारे बंदों के चिल्लाने की आवाज आ रही है, यानी कि अभी भी हम लोग सेफ नहीं है। और ये बंदा ऊपर खड़ा है बेचारा, ट्रेवर वहां पर खड़े होकर उसे देख रहा था, लेकिन मैंने इधर से उसको मार दिया। तो भी एकदम आराम आराम से मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर सामने की तरफ में गाइस एक बंदा तो मेरे को नजर आया, और इसको भी कुछ पता ही नहीं चला एरिया से, कैसे पता चल गया ये भागने की कोशिश कर रहा है, और बेचारे के हेडशॉट मारा उस साइड जाकर गिर गया। और एक बंदा यार बेटा तू बहुत बुरी तरह मरेगा, तूने गलती कर दी मेरे से पंगा लेकर। तो कि गाइस जैसा कि आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, यही है वो कार जिसको चुराकर हमें यहां से निकलना है। इस कार का नाम है स्टॉर्म बग, और यही वो है वो गाड़ी जो कि पानी के अंदर चलती है। बाकी यार मेरे को भी ये नहीं समझ आ रहा कि मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे, क्योंकि नीचे की तरफ में काफी सारे बंदे हैं, अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो हो सकता है कि ये लोग मेरे दबा कर गोलियां मारे। एक काम करता हूं जंप मार कर ना आगे चलता हूं, यहां पर ना ये जो गाड़ी है ना इसके पीछे कवर ले लूंगा। मेरे को पता था अभी भी नीचे बहुत सारे बंदे होंगे, मैं 100% श्योर था। तेरी ऐसे की तरह से निकल यहां से, एक को मारा गंजे, तू भी निकल। और वो देखो वो तो बेचारा गाड़ी में अड़के गिर गया। और यहाँ पर यार पीछे की तरफ में भी काफी सारे बंदे हैं, गाड़ी मत खराब कर। गाइस अगर ये वाली गाड़ी खराब होगी ना, तो फिर हम लोग इस वाली कार को भी अपने घर पर नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि वो कार एक ट्रेलर पर लोड है, तो उस ट्रेलर को खींचने के लिए वाली गाड़ी ही चाहिए होगी, वरना तो वो गाड़ी पानी में ही चलती है शायद से। बाकी भी मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। यहाँ पर अभी यार मेरे को गोलियां तो चलने की आवाज बहुत आ रही है, बट ट्रेवर तो अभी ऊपर ही है, तो ट्रेवर जल्दी से यार नीचे, अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ट्रेवर भी आ चुका है फाइनली, और इधर अभी भी मेरे हिसाब से काफी सारे बंदे बचे हुए हैं। तो चलो यार ट्रेवर भी गाड़ी में आकर बैठ गया है, अभी ना जल्दी से एकदम आराम आराम से मैं अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ। सबसे पहले ना मुझे अपनी कार से इस वाले ट्रेलर को अटैच करना होगा, और यार इस बंदे के घर में ना काफी ज्यादा महंगी महंगी कार है, और अपनी कार में से ना धुआं भी निकलने लग गया, शायद से ना उस पर थोड़ी बहुत गोलियां लग गई है। तो चलो यार अभी ना प्रॉपरली हमने अपनी गाड़ी को इसमें से अटैच कर लिया है, अभी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को मैं लेकर यहाँ से निकलता हूँ। बाकी यार ये जो घर है ना काफी ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को, आपको कैसा लगा कमेंट में जाकर जरूर बताना। यार मेरी जो बाइक थी
वो यहीं पर रह गई, तो मुझे ना अपनी बाइक को भी यहाँ से हटा देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि यार ये लोग इसे मतलब कि तोड़ फोड़ दें और या फिर चुरा कर यहाँ से निकल ले, और अगर गाड़ी चोरी हो जाती है ना तो मेरे हिसाब से दोबारा मिलने भी नहीं वाली। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल अपनी बाइक को तो मैंने खड़ा कर दिया है, और ये जो बाइक है ना ये मैं ड्राइवर को देने वाला हूँ, वो लेकर आ जाएगा मेरे पीछे पीछे। इससे क्या होगा अपनी बाइक भी नहीं खोएगी, वैसे यार उसको वॉश करवाना पड़ेगा, काफी ज्यादा गंदी हो गई है, और साथ में जो स्टॉम बग है इसको भी रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो जल्दी से कहीं ऐसा ना हो और सिक्योरिटी आ जाए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल ड्राइवर को मैंने अपनी बाइक चलाने के लिए बोल दिया, तो ड्राइवर आराम से चलाइए, जगह वैसे भी बहुत ही ज्यादा बेकार है, और इसको देखो मेरे आगे ले जाकर खड़ी कर दी बाइक। चलो कोई नहीं, साइड कर ली, समझदार तो बहुत है। अभी एकदम आराम आराम से मैं अपनी बाइक को नीचे लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा अजीब सी है, तो इसीलिए मैं अपनी कार को भी बहुत ज्यादा आराम आराम से लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो बिना जल्दी से बिना किसी देरी के मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ, बाकी रास्ते भी काफी ज्यादा अजीब है, और अभी लेकर चलते हैं लेस्टर के पास। लेस्टर ही बताएगा हमें आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे यार सच्ची में जगह मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगी, मन तो कर रहा है काश यार अपना भी घर किसी ऐसी जगह पर ही होता, बट ये वैसे ना एक तरीके से बेकार है, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जाकर है। और गेट तो खोल दो भाई साहब, वो पुलिस, एक सेकंड इनको जाने दो, इनको जाने दो यार, पुलिस वाले कहां से टपक गए यार, मतलब ये तो बेमतलब में डरा रहते हैं आजकल, जब से ये न्यू मिलिट्री कैनल आया ना भाई तब से कुछ ज्यादा ही सीन हो रहा है। और ये ड्राइवर कहां से चला कर लाया भाई बाइक, ये अलग ही रस्ते से लाया भाई। चलो कोई नहीं, फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को लेकर आगे चलता हूं, यहां पर ड्राइवर भी अपने साथ साथ ही है। यार यहां पर ना भी बहुत ज्यादा गलत सीन हो रखा है पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में, बस अपनी चेकिंग ना हो बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी इस कार को इस बोट ट्रेलर के साथ कितनी ज्यादा स्मूथली ड्राइव कर रहा हूं, और साथ में जो ड्राइवर है ना भाई बार बार मेरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है बट ओवरटेक कर नहीं पा रहा, और अभी मैं रॉन्ग वे पर चला गया था भाई, मेरे को अपनी गाड़ी को हल्का सा भी नहीं ठोकना है। अभी लेस्टर से बात हुई है, लेस्टर कह रहा है सबसे पहले अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा लो, फिर यहां पर आने की कोई जरूरत नहीं, वो सीधा आगे प्लान बता देगा कॉल पर ही, और फिर हमें सीधा यहां से निकल लेना है। बाकी तो भी ड्राइवर को भी यहीं पर बुला लेते हैं, क्योंकि आगे यहां पर मॉडिफिकेशन की शॉप है, जल्दी से अपनी कार को मॉडिफाई करवाते हैं फिर सीधा से लेकर चलते हैं उस जगह पर। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर पहुंच चुका हूं लॉस सैंटोस, और यार इस तरीके से ना गाड़ी रोड पर चलाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जितना भी काम हमें करना है ना सारा छुप के करना है। एक काम करता हूं, सबसे पहले ना अपने ट्रेलर को मैं किसी एकदम सुनसान जगह पर लेकर चलता हूं, और वहां पर ना सबसे पहले इस गाड़ी को बाहर निकालेंगे, और फिर हम लोग ना इस गाड़ी में ही घूमने वाले हैं। वैसे यार ये जगह मेरे को ठीक ठाक तो लग रही है, यहां से ना भी फटाफट मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकलता हूं, और इन सब लोग को ना गाइस यार अभी भगाना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, ये सारे मेरे को शरीफ शरीफ लोग लग रहे हैं, ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। एक मिनट, निकल लो निकल लो बेटा, चक्को घोप दूंगा चारों से, भग जाओ यहां से चारों को चारों, तेरे को ज्यादा अभी तेरी भैंस की, भाग दे यहां से। तो चलो यार अभी फिलहाल मैंने चारों लोग को भगा दिया, ड्राइवर भी यहां पर आ चुका है, रुक जा भाई ड्राइवर, पहले गाड़ी उतारनी पड़ेगी फिर हम लोग यहां से निकलेंगे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने अपनी गाड़ी को इस ट्रेलर के ऊपर से तो उतार दिया। एक काम करता हूं, ये जो ट्रेलर है ना ये अब अपने किसी भी काम का नहीं है, तो इस गाड़ी को इस ट्रेलर को मैं फोड़ देता हूं। अब यार देखो हम ना वैसे इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में है, तो हम ये छोटे मोटे सबूत ना यहां पर छोड़ना नहीं चाहते, तो अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूं और यहां से निकलते हैं। बाकी यार अपनी गाड़ी में से पेट्रोल लीक होना शुरू हो गया, एक सेकंड यार ये चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरे को नहीं लग रहा अभी चलने वाली है, बाकी थोड़ी देर तक तो चली जाएगी। यार शिट, अपनी गाड़ी का पूरा पेट्रोल ही लीक हो गया। वैसे यार अभी ना फिलहाल जैसे तैसे कर मैंने इस गाड़ी को तो स्टार्ट कर दिया है, बाकी यहां पर एक सेकंड पेट्रोल की वजह से तो इधर आग ही लग गई, ड्राइवर भाग वहां से, यहां पर ना मतलब कि पेट्रोल पड़ा हुआ था और उधर मैंने रेस दे दी, और यार ये तो बिल्कुल रियलिस्टिक था यार, मतलब कि पेट्रोल पर रेस देने से ना रियल में भी आग लग जाती है, और यहां पर भी आग लग गई और ड्राइवर को बिल्कुल डर ही नहीं है। तो चल भाई ड्राइवर अब हमें यहां से निकल लेना चाहिए, क्योंकि गाड़ी में बॉम्ब वगैरह भी सेट है, अगर ब्लास्ट हुआ तो हमें ही नुकसान होने वाला है। तो अभी फटाफट से अपनी बाइक लेकर मेरे पीछे आ जा, और इस गाड़ियों को ना मैं जल्दी से ब्लास्ट कर देता हूं, क्योंकि अभी बिल्कुल भी सबूत यहां पर नहीं छोड़ने हैं। अभी जो हमारा मेन काम था वो हमने कर दिया, अभी फटाफट हमें यहां से निकल जाना चाहिए। बाकी यार ये जो कार है ना चलने में तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जल्दी से ना, अबे तेरी ऐसी की तरह से अभी तो ठुक जाती बहुत बुरी तरह। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंचने वाला हूं सीधा लॉस सैंटोस कस्टम की शॉप पर, क्योंकि यही एक भरोसेमंद बंदा है जो कि हमारी गाड़ी रिपेयर भी कर देगा और साथ में किसी को बताएगा भी नहीं। वैसे बैनी भी कर सकता था बट बैनी अभी अपने दूसरे काम में बिजी होगा, इसलिए मैं बैनी के पास नहीं गया। और यार ये ड्राइवर पता नहीं कहां पर रह जाता है, बाइक लेकर भी इतनी धीरे आ रहा है ना भाई, पूछो मत। तो चल भाई जल्दी से अंदर आ जा, अभी फटाफट से पहले मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवाऊंगा फिर तू बाइक भी रिपेयर करवा दे। और ये एक सेकंड भाई बंद है क्या दुकान? तो चलो गाइस यार यहां पर इसने गेट भी फाइनली खोल दिया, मतलब गैराज डोर। तो चल भाई जल्दी से हमारी गाड़ी रिपेयर कर, और साथ में जो बाइक है ना इसको भी फटाफट से रिपेयर कर दे। अपनी गाड़ी को ना मैं यहां पर अंदर खड़ा कर देता हूं, क्योंकि मेरे को वॉश भी करवानी है भाई, वॉश हो जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, और यहीं पर होती है अपनी गाड़ी वॉश फुल एकदम मस्त मजे में। तो चल भाई जल्दी से वॉश कर दे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमारे दोनों व्हीकल्स वॉश हो चुके हैं, और ये जो मेरी हार्ले है ना इसको मैं बाद में लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर रहेगी तो अपना सेफ रहेगी, बाद में आकर यहाँ से ले जाएंगे। और ये जो अपनी गाड़ी है इसको भी वॉश करवा लिया है, पूरा का पूरा मॉडिफाई करवा लिया है, मेन मॉडिफाई नहीं करवाना था, मेन काम था रिपेयर करवाना। तो अभी गाड़ी जो है रिपेयर हो चुकी है, मतलब इसका जो पेट्रोल लीक वाला हो रहा था ना तो वो चीज़ अभी इसने ठीक कर दिया है। तो अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ। और बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो गाड़ी का कलर वगैरह बहुत ज़्यादा सही है, तो मैं सोच रहा था कि मुझे कलर चेंज करवा लेना चाहिए,
बट यार ये कलर मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जल्दी से ना यहाँ से मैं अपनी गाड़ी को कहीं साइड में लगाता हूँ और फटाफट ना सबसे पहले मैं लेसर को कॉल करता हूँ और उससे पूछते हैं आखिरकार क्या सीन है, कब जाना है, कहाँ जाना है और क्या क्या बात है। तो चलो गाइस सर, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो गई है। लेस्टर कह रहा है कि अभी मत निकलो, शाम होते ही निकल जाना यहाँ से, क्योंकि जब तुम शाम होते ही निकलोगे तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा होने में बेटर चीज़ ये है कि अगर उसने कैमरे भी लगा रखे होंगे ना तो पानी के अंदर भी अंधेरा हो जाएगा उसके कैमरे, फिर मतलब उसे कुछ नजर नहीं आएगा। तो अभी ना हमें थोड़ा बहुत अंधेरा होने के बाद निकलना है और जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि अगर उसे पता लग गया ना कि उसका मोबाइल फ़ोन किसी ने ट्रेस करा है तो हो सकता है कि वो वहाँ से भाग जाए। तो इसलिए अंधेरा होते ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और वो जो लोकेशन लेस्टर ने दिया है वो यही है सबमरीन वाली, उसी सबमरीन के अंदर वो छुपकर बैठा हुआ है। तो बस अभी हमें अंधेरा होता है यहाँ से निकलना है। तो गाइस अभी ना फिलहाल 3 घंटे वेट करने से बढ़िया मैं एक बार टेस्ट करता हूँ कि आखिरकार ये जो गाड़ी है ना पानी में चलती कैसे है। तो अभी ना फिलहाल ओ भाई साहब, इसका बटन दबाते यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये जो गाड़ी है कैसे एक अलग से सबमरीन टाइप व्हीकल में कन्वर्ट हो गया है, और मेरे हिसाब से तो सबमरीन से भी ज्यादा खतरनाक है। तो भी जल्दी से ना इसको मैं बंद करता हूँ, क्योंकि इस तरीके से रोड पर नहीं चलने वाली। बाकी ना इसको एक बार पानी में लेकर चलते हैं और एक बार ना मैं टेस्ट कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उस टाइम पर बाद में दिक्कत दे दे। तो अभी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, इसलिए ना इसको टेस्ट कर लेते हैं कि आखिरकार पानी में चलती कैसे है, और अगर कोई दिक्कत आएगी तो इसे अभी के अभी रिपेयर करवा लेंगे। वैसे यहीं पर ना पास में एक सीए सामने ही है, पास में भी नहीं एकदम सामने ही है, अभी जल्दी से वहां पर चलते हैं और वहां पर ले जाकर इसको मैं टेस्ट करता हूं। बाकी अभी ना गाड़ी पे बिल्कुल भी टक्कर वगैरह नहीं मारनी है, पीछे वाले रास्ते से ना एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो जाऊंगा तो वहां से ज्यादा पास पड़ जाएगा, बाकी अगर मैं बीच से जाऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा। वैसे यहां पर से रास्ता तो है, बट एक सेकंड यहां पर पीछे से रास्ता है तो भी मेरे को जालियां तोड़नी पड़ेगी शिट यार। तो भी ना एकदम आराम से टक्कर मार के मैं ये वाली जालियां तोड़ देता हूँ, अपनी गाड़ी पे कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए। तो चलो भाई अभी सब कुछ एकदम ओके है, यहाँ से अपनी गाड़ी को मैं जंप कराता हूँ पानी के अंदर। तो अभी ना फटाफट से यहाँ पर इसके जो मतलब ये जो विंग्स है ना ये मैं खोल कर देखता हूँ। ओ भाई साहब, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये पानी के अंदर एकदम प्रॉपरली चलने वाली है। तो कि गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अपनी ये जो कार है ना ये पानी के एकदम डीप में भी आ गई है, और हमें ना ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं पड़ रही। बाकी यार ये जो कार है ना काफी ज्यादा बढ़िया है, और साथ के साथ ना इस कार में आगे तरफ में कुछ वेपन्स भी लगे हुए हैं, अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो हम लोग अपने वेपन्स का भी यूज कर सकते हैं। वैसे कार में ना एक खास बात तो ये है कि कार पानी के अंदर भी बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही है, अगर सबमरीन होती तो बहुत ज्यादा स्लो चलती। और तीसरी खास बात इसकी ये है, मतलब ये हमारा एक टाइप से आप लक कह सकते हो, यहां का आप लोग देख पा रहे पानी ना थोड़ा गंदा है, तो इसलिए अगर उसने सीसीटीवी भी लगा रखे होंगे ना तो उसको कुछ सही से नजर नहीं आएगा। बट अगर उस साइड का पानी साफ हुआ तो रात में वैसे भी हम जाने वाले हैं, तो रात में वैसे भी उसे कुछ नजर नहीं आने वाला। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहां से बाहर निकलता हूं, क्योंकि यार ये गाड़ी ने सच्ची में आज दिल खुश कर दिया। तो कि गाइस सर, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर काफी ज्यादा दूर आ गया हूँ, और यहाँ पर ना भी मेरे को सबसे पहले बाहर निकलना है। उस तरफ में तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इसके लिए हमें एक बीच चाहिए है जहाँ पर ये थोड़ा सा लैंड पे आ पाए, तभी हम लोग इस गाड़ी के टायर खोल पाएंगे। वैसे टायर तो अभी भी खोल सकते हैं बट कोई फायदा नहीं है। फिलहाल सामने की तरफ में एक बीच है, तो जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर वहां पर चलता हूँ। वैसे यार पानी में ना कुछ भी ढंग से नजर नहीं आ रहा, इतना ज्यादा गंदा पानी है इस साइड का, ऊपर से देखने में तो एकदम ब्लू ब्लू लगता है लेकिन नीचे से काफी ज्यादा इसके अंदर मतलब मिट्टी है। तो चलो यार फाइनली यहाँ पर मैं शायद से बीच पर पहुंचने वाला हूं, और ये देखो यहां पर बंदे अपना नहावा रहे हैं बीच के अंदर, तो इनको भी पता नहीं है नीचे से गाड़ी आ रही है। तो चलो भाई फाइनली यहां पर मैं अपनी गाड़ी लेकर बीच पे पहुंच चुका हूं। जल्दी से इसके जो विंग्स है ना ये मैं बंद करता हूं और यहां पर टायर खोलता हूं। भाई यार कितना ज्यादा बढ़िया सिस्टम है इसका, मतलब ये देखो जो पीछे से भी लाइट निकलेगी ना ये देखना, यहां पर भी कैसे पीछे से लाइट्स निकलते हैं, विंग्स निकलते हैं, और कितनी ज्यादा बढ़िया तरीके से इसकी लुक हो जाती है, और इसी तरीके से हम लोग इसे बंद भी कर सकते हैं। तो चलो यार अभी ना फटाफट से मैं अपनी कार को लेकर चलता हूं किसी ऐसी जगह पर जहां पर इस कार को मेरे अलावा कोई भी ना देख पाए, मतलब अभी ना बेसिकली हमें अपनी कार को छुपाना है। तो ये जगह मेरे को थोड़ी बहुत बढ़िया लग रही है, तो भी जल्दी से ना अपनी कार को थोड़ी देर के लिए यहीं पर पार्क कर देते हैं। तो चलो गाइस फाइनली पूरे के पूरे 2 घंटे वेट करने के बाद शाम बीत चुकी है और थोड़ा बहुत अंधेरा भी यहाँ पर हो गया है, और लेस्टर का भी कॉल आ गया। लेस्टर कह रहा है जल्दी से जल्दी अभी का भी यहाँ से निकल लो उस जगह के लिए। बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अपनी कार में ना आगे की तरफ में काफी खतरनाक डेंट आ गया है, क्योंकि जब हम अंडर वाटर चला रहे थे तो ये किसी प्लांट से टकरा गई थी, और ये डेंट काफी ज्यादा खतरनाक आ गया, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना इसका मेटल काफी ज्यादा हल्का है, क्योंकि इसको पानी के अंदर स्विम करवाना है, अगर इसे भारी बना देंगे तो वहां पर ढंग से नहीं चलेगी, इसलिए गाड़ी बहुत ज्यादा हल्की है। तो ना जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं पानी से नहीं जाने वाला, क्योंकि पानी में उतना ज्यादा फास्ट नहीं चलती। हमें अभी जाना है काफी ज्यादा दूर इस जगह पर, तो सबसे पहले ना मैं यहां तक तो बाय रोड जाने वाला हूं, यहां से फिर हम लोग अपनी गाड़ी को पानी में कर लेंगे। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेता हूं सीधा उस जगह के लिए। बाकी यार अब आने वाला है असली मजा, क्योंकि इस टाइप का कोई चीज है ना हम लोग पहली बार करने वाले हैं, और पहली बार होगा कि मैं किसी सबमरीन के अंदर जाने वाला हूं। अब पता नहीं यार वो सबमरीन कैसी होगी, क्योंकि 3-4 टाइप की सबमरीन आते हैं, एक छोटी होती है सिंगल सीटर, एक डबल सीटर होती है, एक थोड़ी बहुत बड़ी होती है, और एक तो सबसे बड़ा वाला साइज होता है, उसमें तो मतलब कि तुम भटक जाओगे इतनी बड़ी होती है। तो भी जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सीधा उस जगह के लिए।
तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ गया हूँ हाईवे पर, और ये जो कार है ना भाई ये सच्ची में ऑलराउंडर है, एक ही बार में तीन तीन काम कर सकती है। मतलब कि पानी के ऊपर चलाने के लिए बोट बन जाती है, और रोड पर चलाने के लिए सुपर कार बन जाती है, और पानी के अंदर चलाने के लिए सुपर सबमरीन भी बन जाती है। तो इसे हम ऑलराउंडर ही कह सकते हैं। बस ये है, ये गाड़ी उड़ती नहीं है, तो क्या पता है जिसने ये गाड़ी बनाई है वो कल को उसमें उड़ने का फीचर भी डाल दे। वैसे ये चीज़ इम्पॉसिबल है। खैर छोड़ो, फालतू की बातें बाद में करेंगे, अभी जल्दी से चलते हैं सीधा सबमरीन के लिए। तो कि गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं जैसे तैसे कर अपनी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर आ गया हूँ। पीछे की तरफ में पुलिस वाले मिले थे, बट उन्होंने हमारी गाड़ी देखकर हमें कुछ भी नहीं कहा। मतलब अभी जो चेकिंग है ना वो थोड़ी बहुत पहले से कम हो गई है। अब पता नहीं यार न्यू मिलिट्री कर्नल अब क्या प्लान बना रहा है, लेकिन अब उसके प्लान बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी जो मौत है वो उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुकी है। तो अभी जल्दी से ना मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ से सबसे पहले तो लेफ्ट लेना है, और मैं अभी उसी वाली जगह पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर बेसिकली मुझे आना था। और अभी अपनी गाड़ी को मैं एकदम आराम आराम से सामने लेकर जाने वाला हूँ। अब वैसे भी इतना ज़्यादा अंधेरा है, पानी के अंदर ना हमारी गाड़ी की जो लाइट वाइट है ना, मेरे हिसाब से अगर ये जलेगी तो उसको शक ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपनी गाड़ी की लाइट भी फोड़ दूँ। लेकिन नहीं यार, इतना किसी को नहीं दिखेगा, क्योंकि जल्दी से मैं नॉर्मली आगे चलता हूँ। और सामने की तरफ में ना एक याच भी खड़ी हुई है, और इस तरफ में तो गाइस मैंने अपनी गाड़ी गलती से कुदा दी। अच्छा हुआ कि बुरी तरह नीचे नहीं गिरी, एकदम आराम आराम से भी इसे मैं नीचे लेकर जाने वाला हूँ। चलो यार बहुत सही, भी फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर लेफ्ट मोड़ता हूँ, और अभी बिल्कुल तेज स्पीड में मैं सीधा से पानी में कुदाने वाला हूँ। बाकी यार सामने एक याच है, उससे मैं साइड होकर जाऊँगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा याच में छुप कर बैठा हो। तो अभी मैं पानी के अंदर इसे लेकर आ गया हूँ। अब जल्दी से ना गाइस यार मैं इसके विंग्स यहाँ पर खोल देता हूँ। ये देखो टायर बंद हो गए, और यहाँ पर गाड़ी के जो विंग्स हैं वो खुल गए हैं। अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ। ये देखो यार किस टाइप के प्लांट्स है पानी के अंदर, और अभी इससे अपनी गाड़ी टकराया ना, इसलिए यार इसे ना थोड़ा अलग तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। और इस तरफ में गाइस देखो नीचे एक प्लेन क्रैश हो रखा है, यहाँ पर आपको इसके पुर्जे नजर आ रहे होंगे। शायद से ना ये जो उसकी मोटर होती है, मतलब जो उसके विंग्स होते हैं ना, उसी का कोई पार्ट है। अब पता नहीं यार पूरे का पूरे प्लेन के टुकड़े टुकड़े यहाँ पर गिरे हुए हैं। यार इधर सच्ची में बहुत खतरनाक प्लेन एक्सीडेंट हुआ होगा। तो सामने की तरफ में भी कुछ है, मेरे को यहाँ पर कुछ दिखा। तो कि गाइस यार ये देखो, ये है प्लेन का बैक वाला हिस्सा। तो सच्ची में यार इधर बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है। अभी जल्दी से यार मैं इस पर ध्यान नहीं देने वाला, अभी फटाफट से हम लोग निकलते हैं सबमरीन के लिए। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल पीछे की तरफ में तो थोड़ी बहुत जमीन नजर आ रही थी, लेकिन अभी मैं एकदम आगे आ चुका हूँ। इस तरफ में पता नहीं यार जो समुद्र है कितना गहरा है, कितना डीप है, कुछ नहीं समझ आ रहा। बाकी तो यार यहाँ पर अभी जो मेरी कार है ना बहुत ज्यादा जमीन के नीचे आ चुकी है, बट यार सबमरीन का कुछ भी अता पता नहीं है। वैसे जो एकदम करेक्ट लोकेशन है ना, मैं वहां पर चलता हूँ। और यार अभी मैं पानी के बहुत ज्यादा अंदर हूँ जहां तक मुझे लग रहा है, और ये जो सबमरीन की लोकेशन है ना वो यही है, बट यार सबमरीन मेरे को कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। मेरे को पानी के बहुत ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा, शायद से तब वो को नजर आएगी। उस तरफ में गाइस मेरे को कुछ दिखा, एक बारी मैं चलकर देखता हूं, बट यार वो कुछ और है। और वहां पर वो जो लाइट जली है ना गाइस, वो सबमरीन की लाइट नहीं है, वो एक याच जो खड़ी थी ना वो उसकी लाइट है। तो यार मेरे को तो नहीं लगता कि यहां पर कोई सबमरीन होगी भी। एक काम करता हूं मैं ना, और भी ज्यादा डीप जाता हूं पानी के। अभी मतलब मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा अंदर आ चुका हूं, लेकिन गाइस यार अभी मैं बिल्कुल रुकने नहीं वाला जब तक वो मेरे को दिख नहीं जाएगी। और गाइस शायद से यही है वो सबमरीन। अभी एक मिनट, ओके गाइस फाइनली मैंने फाइंड कर ली। और इसके अंदर कहीं ऐसा ना हो कि सीसीटीवी लगे होंगे, वैसे भी यहां पर इतना ज्यादा अंधेरा है उसको कुछ भी नजर नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे को ही कुछ नहीं नजर आ रहा लाइट जलाकर भी। तो भी जल्दी से एकदम आराम आराम से नीचे चलता हूं। बाकी यार सबमरीन तो आ गई है, और उसकी एंट्रेंस भी यहीं पर है। तो भी जल्दी से ना हमें अपनी गाड़ी से उतरना चाहिए, और हमें ना जल्दी से जल्दी इसका ढक्कन खोल के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये पानी है और पानी के अंदर हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, और हमने स्कूबा डाइविंग सूट भी नहीं ले हैं। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर खड़ा करता हूं, और फटाफट से ना इस वाले ढक्कन को खोल के हम लोग अंदर एंटर होने वाले हैं। तो भी जल्दी से यहां पर ट्रेवर गाड़ी से उतर। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मैं सबमरीन के अंदर तो आ गया हूं, लेकिन यार इस तरफ में ना दो लोग की बात करने का साउंड आ रहा है। यहाँ पर लग रहा है ये दोनों यहाँ के सोल्जर्स हैं, और यार इनको मारना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, तगड़ा सा वेपन निकाल देता हूँ, और इनको ना गाइस अभी मैं एकदम साइलेंटली मारने वाला हूँ। ड्राइवर तो पीछे रुक, इन दोनों का खेल सिर्फ मैं खत्म करूंगा। फिलहाल यहाँ पर एक ये था और एक हीरा, अभी भी इसको नहीं पता चला इसके बगल वाले बंदे के यहाँ पर बेसबॉल बैट ही पड़ गया। तीरी ऐसे की तैसी निकल यहाँ से, ये जिंदा था, अभी इसके हाथ में गन थी लेकिन अब छूटी है। तो चलो यार, तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल इधर मैंने दो लोग को तो मार दिया है। अब पता नहीं यार कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से कोई बंदा आकर, ओ भाई यहाँ पर से किसी ने गोली मारना शुरू कर दिया। ओ भाई इधर तो काफी सारे सोल्जर आ गए हैं। ड्राइवर जल्दी से अपनी गन बाहर निकाले, ऐसे मत जा भाई ये खतरनाक लोग हैं। अभी जल्दी से मैं भी ड्राइवर के पीछे चलता हूँ। और गाइस यार यहाँ पर तो इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। ड्राइवर जल्दी से इनमें से किसी एक बंदे की गन उठा, और अभी बहुत ही बुरी तरह गोलियां पड़ गई ड्राइवर के, और पीछे से भी एक बंदा आ गया है। ड्राइवर का अच्छा हुआ हेलमेट उतर गया, बट उसने मास्क पहन रखा था। अभी यार सामने भी काफी सारे बंदे हैं, इन सबको मुझे बहुत ज्यादा संभल संभल के लड़ना पड़ेगा। ड्राइवर तू पीछे रुक जा, इसकी वैसी गोलियां पड़ गई है। और यार यहाँ पर अभी इसके पीछे से और
बंदे आ गए फिर भाई आखिरकार कहां से आ रहे हैं। पहले मैं पीछे की तरफ में देख लेता हूं वरना फिर बहुत ज्यादा बड़ी ओ तेरी यहां पर ना पीछे से रास्ता है और ये लोग यहीं से चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। तो बिना पहले तो मैं सबको बहुत बुरी तरह मारने वाला हूं और एक के बाद एक बंदा यहां पर आया जा रहा है। आओ बे तुम्हारी ऐसी जैसी किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यहां पर बस काफी सारे बंदे हैं सबको भी मैं बहुत ही बुरी तरह मारने वाला हूं और आगे की तरफ में एक रास्ता गया हुआ है वही मैं सोचूं कि आखिरकार ये कहां से आ रहे हैं किसको मारूं मैं। फिलहाल सामने की तरफ में और भी बंदे हैं अभी जल्दी से गाइस मैं नीचे उतरता हूं और यहां पर ना ओ भाई सामने बहुत सारे बंदे हैं इसको पहले छोड़ो और यहां पर पहले इनको मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई इधर तो ढेर सारे बंदे हैं अभी जल्दी से मैं छुपता हूं। भाई साहब ट्रेवर कहां पर चला गया ट्रेवर का भी कुछ अभी अता पता ही नहीं है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इधर मैंने काफी सारे बंदे मार दिए हैं और वो जो हैकर है ना अब तो मैं 100% श्योर हूं कि वो यहीं कहीं पर छुपकर बैठा हुआ है क्योंकि ये जो जगह है ना है भी काफी ज्यादा अजीब सी मतलब कि कहने को ये सबमरीन है बट अंदर इतनी ज्यादा मशीनें लगी हुई है ना भाई पूछो मत। अब इसमें से आधे ज्यादा सामान तो सबमरीन का ही होगा बट यार मेन मेरे को हैकर को ढूंढना है आखिरकार वो हैकर है कहां पर। बाकी भी मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं यहां पर पीछे की तरफ और भी बहुत सारे सोल्जर हैं एक को मैंने और डाउन कर दिया है। एक काम करता हूं गाइस यार अपनी ना शॉटगन निकाल देता हूं अपनी शॉटगन अभी काम आने वाली है। ये रहा एक बंदा निकल यहां से भाई कवर लेने आ रहा था बेचारे के पीठ पे बहुत तगड़ी गोली मैंने मारी है। यहां पर अभी फिलहाल मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा। ओ भाई सामने काफी सारे बंदे हैं जिसने मेरे बहुत बुरी तरह बजाई है और वो देखो वो गिर कर भी लड़ रहा है। अभी मेरे को गाइस थोड़ा बहुत कवर लेना होगा और वो वापस उठ गया यार जान तो इन सबके अंदर बहुत ज्यादा है लेकिन अभी मैं इनको बहुत ज्यादा तमीज से मारूंगा एक एक सेकंड के लिए एक गोली मारूंगा। यार एक के बाद एक बंदे यहां पर आए जा रहे हैं आखिरकार कितने बंदे हैं इधर भाई किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी अब चलेगी दबा के गोलियां यहां पर चार पांच बंदे एक ही बार में गाइस मैंने गिरा दिए। चलो भाई अभी ना मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी नहीं उठने वाला जल्दी से अपनी गन को मैं रीलोड करता हूं। ओ भाई सामने अभी और बंदे आ गए भाई अच्छा जी गिर के भी ये मार रहे हैं यार जान सच्ची में बहुत ज्यादा है। 10-10 गोली खाने के बाद भी ये लोग वापस उठ रहे हैं भाई काफी तगड़े आर्मर्स इन लोगों ने भी पहन रखे हैं बट अपने से तगड़े थोड़ी हैं। तो भी जल्दी से मैं और आगे चलता हूं यहां पर दो बंदे और आए थे भागकर इनको भी मैंने मार दिया और कोई तो नहीं है ना पीछे से कोई तो मार रहा वो देखो पीछे से एक बंदा और आ गया। एक तो ये तो समरीन है ना इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन लगा हुआ है मतलब जितना भी शोर होगा ना वो एकदम कंप्रेस हो जाएगा और यहां पर से किसी ने पीछे भाई पीछे के पीछे से मेरे को लग रहा है किसी ने गोली मार दिया है। फटाफट ना गाइस कवर लेता हूं ये देखो मेरे को लग ही रहा था पीछे से कोई आ रहा है चल तेरी ऐसी की तैसी निकल यहां से। अभी ना पीछे की तरफ मैंने चार बंदे और मार दिए तो मेरे हिसाब से अब मुझे आगे चलना चाहिए। नहीं यार मैं आगे नहीं जा सकता जब तक पीछे वाले नहीं मरेंगे एक बार ये ना देख कर आता हूं आखिरकार पीछे से कितने बंदे आ रहे हैं। भाई ये ट्रैवर कहां पर चला गया मुझे उम्मीद है ट्रैवर ऊपर के बंदे मार रहा होगा कोई नहीं चलो अभी ट्रैवर भी ऊपर बंदे मारेगा मैं नीचे मारूंगा जल्दी से जल्दी यहां के जो बंदे हम उन्हें खत्म करेंगे। बाकी तो यार यहां पर अभी मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं। ये कैसी जगह गाइस यहां पर सिलेंडर पड़े हुए हैं ओ भाई किसी ने तो गोली मारी यहां से भी एक रास्ता है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल इधर मैंने तीन बंदे और मार दिए और एक रास्ता ना इस तरफ में भी जा रहा था लेकिन मैं अभी उधर नहीं जाने वाला यहां पर जिस बंदे को मैंने मारा था ना ये ऊपर कहीं से आया है। तो भी जल्दी से ना ऊपर चलते हैं मेरे को लग रहा है कि यहां पर भी काफी सारे बंदे होंगे। अभी ना भाई सामने बहुत सारे बंदे हैं तो इनको मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। अभी ये जो मेरी शॉटगन है गाइस ये भी कमजोर पड़ जाएगी। सबसे पहले ना गाइस मैं थोड़ा बहुत कवर लेता हूं यहां पर क्योंकि यार ये जो बंदा ना ये काफी ज्यादा खतरनाक सा लग रहा है इसको ना मेरे को एक ही गन मारनी है मतलब कि एक ही बुलेट मारनी है और ये मर जाना चाहिए। ओ भाई पास आने की कोई जरूरत नहीं है भाई शॉटगन है मेरे पास निकल यहां से। भाई बहुत सारे बंदे हैं सामने अभी सबके शॉटगन ही शॉटगन पड़ेगी। शॉटगन से क्या होता है ना मतलब इसको जो स्प्रेड डैमेज होता है जितने भी बंदे झुंड में खड़े होते हैं ना सारे के सारे डाउन हो जाते हैं और यहां पर ना अभी देख लो 3-4 गोली मैंने कितने सारे बंदे डाउन कर दिए। अभी थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं लेकिन आगे चलने से पहले ना थोड़ी देर इधर कवर ले लेता हूं। तो गाइस अगर मुझे पता होता ना कि यहां पर इतने सारे बंदे होंगे तो मैं अपना फुल कवर मतलब कि अपनी पूरी पूरी टीम लेकर आता तेरी ऐसे कैसे निकल यहां से। अब इसके मैं बहुत बुरी तरह मारूंगा और इसने दोबारा उठने की कोशिश करी निकल भाई मतलब कि इतनी ज्यादा गोलियां खाने के बाद भी दोबारा उठ रहा है। अभी थोड़ा बहुत यहां पर मैं आगे चलता हूं इस तरफ में तो फिलहाल मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा और ये कैसी जगह है यार यहां पर तो अभी तक मैं नहीं आया था। ओके गाइस यहां पर और भी आगे तक रास्ते हैं और यहां पर से नहीं नहीं ये तो वही वाला रास्ता है बाकी इस तरफ में कुछ है क्या। ओ भाई इधर इन्होंने अपना पूरा का पूरा जिम बना रखा है मतलब कि यार यहां पर जितने भी लोग हैं ना ये सबमरीन में ही रहते हैं यहीं पर अपना खाते पीते हैं और यहीं पर अपना सारा काम करते हैं। अब इस तरफ में गाइस एक ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है यहां पर जल्दी से चलकर देखते हैं बट मुझे यहां पर भी ओ भाई तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को स्नाइपर मारने की कोशिश कर रहा है बट वो मेरे को ना कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। अब कहीं ऐसा तो नहीं यहां पर कोई मशीन लगी हुई देखो उसने गन मारी और यहां पर सिलेंडर में से भी धुआं निकला और ये क्या हो रहा है भाई एक सेकंड यहां पर ओ भाई यहां पर गोलियां तो चल रही है बट कहां से चल रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ भाई आगे बंदे हैं यहां पर एक गया और ये अंदर की तरफ में कुछ अलग सी जगह है। अभी ना यहां पर जितने बंदे सारे के सारे बहुत बुरी तरह मरने वाले निकलो यहां से। तीन बंदे तो मैंने मार
दिए। और यहाँ पर गाइस ये है उस हैकर का रूम। ओ भाई साहब कितना तगड़ा कंट्रोल रूम है। बट यार वो हैकर इधर नहीं है, एक सेकेंड। मतलब कि यार इतने सारे बंदे बैठ कर यहाँ पर कुछ कंट्रोल करते हैं, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहीं कहीं से भाग गया उसमें बैठ कर। बट यार वो जाएगा कहाँ पर यार, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। मेरे को पता है क्या लग रहा है, इन लोग को पहले ही पता चल गया था हम लोग यहाँ से आने वाले हैं। क्योंकि यार ये देखो सबमरीन के अंदर ना ये चीज़ होती है, यहाँ से हम लोग व्यू लेकर बाहर का देख सकते हैं। बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। बट अभी ना मेरे को इधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो चलो गाइस यार अभी ना थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं, क्या पता कोई ना कोई तगड़ा क्ल्यू मेरे को देखने को मिल ही जाए। फिलहाल मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, ट्रेवर तो यहीं पर था बट वो गया कहाँ पर। और गाइस यार ये देखो यहाँ पर ना अभी मेरे को लग रहा था कि मैं उसी जगह पर आ गया, बट ऐसा नहीं है। इस सबमरीन के अंदर ना टोटल 3 फ्लोर है, तो 3 के 3 फ्लोर पर कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई है। अब पता नहीं, नहीं इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं अभी, यानी मैं टॉप फ्लोर पर हूँ। और यार मैं एंटर भी तो टॉप फ्लोर से ही हुआ था ना, पता नहीं यार कैसा मैप है इसका। बाकी अभी थोड़ा सा और आगे चलकर देखते हैं, ट्रेवर को ढूंढना भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जगह मेरे को पता नहीं क्यों, देखो भाई ये तो गाइस यार मैं घूम फिराकर उसी जगह पर आ गया जहां पर से मैं मतलब एंटर हुआ था। ये देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेवर यहां से निकल गया हो। और अभी भी गाइस यार यहां पर बहुत सारे बंदे बचे हुए हैं। बट यार वो बंदा कहां पर है जिसको हम ढूंढने यहां पर आए हैं, वो हैकर, वो मेरे को नहीं समझ आ रहा कहां है। और अभी भी इधर बहुत सारे बंदे हैं। ये कैसी सबमरीन है, कितनी बड़ी सबमरीन है। इस तरफ में एक गेट है बट ये मेरे को पता है नहीं खुलने वाला। यहां पर कोई नीचे रास्ता वगैरह तो नहीं है ना। अभी जल्दी से ना यहां पर मैं जंप मार के नीचे चलता हूं। कोई तो शॉटगन मारा तीर ऐसे किधर से निकल। तो चलो यार अभी ना एकदम आराम आराम से मैं चलता हूं सीधा आगे की तरफ में। इधर भी अभी काफी सारे सोल्जर्स राउंड लगा रहे हैं और यहां पर तो काफी सारी लाशें बिछी हुई हैं। तो भी जल्दी से एक बारी मैं आगे जाता हूं। यहां पर ये लोग खड़े हो रखे हैं। अब तो मैं कंफर्म हूं कि वो जो हैकर है ना वो कंफर्म यहीं पर छुपा होगा, क्योंकि यार इधर अभी भी काफी सारी सिक्योरिटी बची हुई है। और ये बाहर निकल के नहीं चेक कर रही, सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया की मतलब इन्होंने जिम्मेवारी ले रखी है। अभी फिलहाल यहां पर 2-3 बंदे और थे जिनको मैंने मार दिया। और गाइस सर अभी ये जो जगह ना ये थोड़ी अलग जगह है। अभी तक जितनी मैंने ऐसी जगह देखी थी ना वहां पर जालियां थी, बट इधर तो यार पूरा का पूरा एक जमीन बनी हुई है। यानी कि शायद से भी मैं एकदम ग्राउंड फ्लोर पर आ चुका हूं इस सबमरीन के। और तेरे को ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई है। तो चलो अभी फिलहाल मैंने इसको भी मार दिया। एकदम आगे आगे एकदम आराम आराम से आगे जाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल इधर मैं काफी देर से ट्रेवर को ढूंढने में लगा हुआ। और अभी अभी मुझे लेस्टर का कॉल आया। लेस्टर कह रहे कि बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जिस हैकर को ढूंढने के लिए यहां पर मैं आया हूं उस हैकर को मालूम पड़ गया था कि लेस्टर ने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक करी है। और उसने भी लेस्टर के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक कर ली और उसको पता था उसके ऊपर अटैक होने वाला है, इसलिए उसने इतनी ज्यादा सिक्योरिटी यहां पर रखी थी। अभी लेस्टर कह रहा है कि उसने फोन कर धमकी ये दी है कि वो मिलिट्री वालों को लेस्टर की लोकेशन बता देगा नई वाली, तो भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और साथ के साथ लेस्टर कह रहा है कि उसने ट्रेवर को भी किडनैप कर लिया है, वो भी सबमरीन के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर। अभी जल्दी से आगे चलकर देखते हैं क्या सीन है। और लेस्टर कह रहा है कि उसने बोला अगर तुम्हें जिंदा यहां से वापस जाना है तो अपने सारे के सारे वेपन्स रखो और यहां पर ना अंदर आ जाओ। बाकी तो और अभी फिलहाल मेरे को समझ नहीं आ रहा, यही शायद से सबमरीन का सबसे नीचे वाला फ्लोर है। तो भी जल्दी से अंदर चलते हैं। ओ भाई साहब यहां पर देखो भाई, इसने ट्रेवर को अंदर पूरा का पूरा किडनैप कर लिया है। और यहां पर काफी ज्यादा तारे वारे जा रखी हैं। तो ओके गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर लेस्टर से बात हो चुकी है। और गाइस यार लेस्टर की बात हुई है उस हैकर से। अब लेस्टर ये कह रहा है कि वो जो हैकर है ना वो उसी सबमरीन में अभी भी, लेकिन हम लोग उस तक उसकी परमिशन के बिना नहीं पहुंच सकते। तो वो ये कह रहा है कि वो ना ट्रेवर को 1 सेकंड के अंदर मार सकता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का शॉर्ट सर्किट करवाकर। अब यार देखो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, इसलिए वो ये कह रहा है कि हमें कोई भी चला के नहीं करनी, क्योंकि हर तरफ कैमरे यहां पर लगे हुए हैं। भाई ये कैमरे भी पूरे के पूरे बुलेट प्रूफ है, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो बस वो ये कह रहा है कि हमारे पास जितने भी वेपन्स है ना हम सारे के सारे वेपन्स यहां पर रख दें ताकि उसको कोई भी खतरा ना हो। और बाकी अगर कह रहा है कि अगर तुम वेपन्स नहीं भी रखोगे तब भी उसे कोई खतरा नहीं है। पता नहीं यार कैसा बंदा है, उसे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन यार मैं सारे वेपन्स नहीं रखूंगा, एक वेपन्स अपने पास छुपा लूंगा जो मेरा देसी कट्टा है। तो भी जितने वेपन्स है ना मैं उसकी नजरों के आगे यहां पर कैमरों में दिखाने के लिए यहां पर रख देता हूं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर सारे के सारे वेपन्स मैंने निकाल के सामने रख दिए ताकि इसे भी कैमरे में नजर आ जाए। लेकिन अगर अभी मैं बिना वेपन्स के अंदर जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए मैंने ना एक देसी कट्टा अपने पास रख लिया है। एक बार ना लेस्टर से फोन करके बात कर लेता हूं कि मुझे अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अंदर जाऊं और वो उल्टा मेरे को ही मार दे, फिर तो हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए एक बार मैं लेस्टर से बात कर लेता हूं। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर लेस्टर से बात हो गई है। और गाइस लेस्टर ये कह रहा है कि अभी तुम्हें ये काम करना ही होगा, क्योंकि उसके पास ना लेस्टर की भी एकदम करेक्ट लोकेशन है और वो लोग वहां से भागेंगे तब भी उसके पास लोकेशन रहेगी। अब पता नहीं यार ये क्या सीन है। और अभी फिलहाल मैंने वेपन्स तो रख दिए, तो अभी लेस्टर कह रहा है अंदर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो चलो यार अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है।
तो ओके गाइस, सर अभी ना फिलहाल ये वाला गेट खुलते ही बंद हो गया और मैं इस जगह के अंदर आ चुका हूँ। बाकी ये जो जगह है ना काफी ज्यादा अजीब सी है, इतना ज्यादा धुआं इधर आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा इधर आखिरकार है क्या। तो ओके, जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने देख पा रहे हो वो हैकर इधर ही खड़ा हुआ है। एक सेकेंड यार, उसके हाथ में वेपन है, मेरे को लगता नहीं है कि मुझे आगे जाना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास भी वेपन है ना। चलो भाई सब कुछ ठीक है, अभी फिलहाल मैं अपना वेपन अंदर रख लेता हूँ। अभी जल्दी से ना चुपचाप मैं इसके पास चलता हूँ। वैसे मेरे को लग नहीं रहा कि मेरा आगे जाना सही रहेगा, बट अभी ड्राइवर को बचाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। बाकी काश मैं इसकी शक्ल देख पाऊँ। वैसे इसने मास्क लगा रखा है, पर बीच में एक शीशा जिस वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। तो चलो कोई नहीं, इससे मैं बात करता हूँ, देखते हैं क्या कहता है। तो ओके गाइस, सर अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इस बंदे से बात हो गई है और गाइस यार ये कह रहा है कि बस मैंने तुम्हें तुम्हारी शक्ल देखने के लिए अंदर बुलाया था और ये ट्रैवर को ना भी सोच समझ के छोड़ेगा। मतलब गाइस यार ये ना हमसे कोई काम करवाना चाहता है तब ट्रैवर को छोड़ेगा। बाकी तो यार यहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। अभी इसने मेरे को 10 मिनट के लिए इधर रुकने के लिए बोला है, फिर ये सोच समझ कर बताएगा। बाकी यार मैं चाहता तो उसे मार देता, लेकिन बीच में एक बुलेट प्रूफ ग्लास था तो मैं चाहकर भी नहीं मार सकता था। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 7 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और कमेंट में जरूर बताना कि क्या ये हैकर हमें यहां से जाने देगा या फिर नहीं जाने देगा, या फिर क्या आगे होने वाला है, कमेंट में जाकर जरूर बताना। और चैनल पर जो भी न्यू है सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लो एंड मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।